हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है वो है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी पूरी करने वाले कौन कौन से आहार हैं, उनको खाने में क्या देना चाहिए जिनकी वजह से उनकी विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो सके, या फिर बड़े भी क्या ले सकते हैं जिससे विटामिन डी की उनकी भी कमी पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को पता है कि विटामिन डी है हमें धूप से आसानी से मिल जाता है, लेकिन शरीर को अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलता है विटामिन डी, क्योंकि हम ज़्यादातर धूप में नहीं जा पाते हैं किसी काम की वजह से, या फिर व्यक्ति जो ऑफिस में वर्क करते हैं काम करते हैं वो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, इसलिए उनको धूप नहीं लग पाती है। जो हाउसवाइफ वगैरह होती है वो अंदर काम करती रहती है, इनकी वजह से नहीं लग पाती है। तो इनको धूप के अलावा भी आप क्या क्या चीज़ें खाएं जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाए। तो विटामिन डी युक्त आहार लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारी हड्डियां है वो कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, जल्दी थकान होने लग जाती है आपको, ये सब हमारी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी कई गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है, अगर जिससे कि बच्चों में क्या हो जाता है, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, बुजुर्गों में पहचानने की क्षमता है उसमें कमी आ सकती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस वगैरह बहुत सारी बीमारी होती है इसकी वजह से हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए, तो विटामिन डी के लिए हमको कौन से अपने डाइट में आहार शामिल करने चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए हमें, तो वही बताऊँगी आपको। खास करके बच्चों के लिए है कि बच्चों के लिए विटामिन डी की कमी पूरी कैसे करें। तो फर्स्ट है कि बच्चों को आप रोज़ रात को एक गिलास है वो दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि दूध से विटामिन डी की कमी पूरी होती है, कैल्शियम की कमी पूरी होती है। तो ये सभी के लिए है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी खा सकते हैं इसको, सभी के लिए इससे पूर्ति होगी। नेक्स्ट है संतरे का जूस भी है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, तो बच्चों बड़ों के लिए भी ये विटामिन डी इससे पूर्ति होगी, तो संतरे का जूस भी पिए। नेक्स्ट है कि मछलियाँ विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है अगर आप मछलियाँ खाते हैं तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खा सकते हैं, अगर आप आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप दूध वगैरह से भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के लंच बॉक्स में खाना डालते हैं आप लंच बॉक्स में, उसके साथ साथ सलाद डालिए और दही भी डालिए, क्योंकि दही में भी बहुत अच्छा सोर्स है ये विटामिन डी का, तो ये भी ज़रूर बच्चों को दें। बड़े भी जो लंच करते हैं उस टाइम उनको खाने में दोपहर के खाने के साथ उनको दही ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है चीज़ होती है, उसमें भी अच्छी मात्रा में सोर्स होता है विटामिन डी का, अच्छी मात्रा होती है विटामिन डी की, तो चीज़ भी खाना चाहिए, बच्चों को भी चीज़ खिलाना चाहिए और बड़ों को भी खाना चाहिए। बच्चों को दे रहे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है अंडे का पीला हिस्सा होता है उसमें विटामिन डी होता है, तो आप अंडा भी खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, विटामिन डी की कमी पूरी करेगा। नेक्स्ट है बच्चों के लंच और डिनर में आप है कभी कभी मशरूम की जो बनी हुई चीज़ें होती है वो उनको खिलाइए, बड़ों को भी मशरूम की बनी हुई चीज़ें खिलाइए, क्योंकि उनमें मशरूम है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, उसमें विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी आपकी। तो ये थे विटामिन डी की कमी पूरी करने के आहार, कि आप धूप के अलावा कैसे विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। धूप लेना बहुत ज़रूरी है, धूप आपको जितना हो सके उतना आप धूप में बैठिए, जब खास करके सर्दियों में धूप सुहावनी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन धूप में ज़रूर बैठें, धूप ज़रूर लें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा कि बच्चों में विटामिन डी की कमी कैसे पूरी करें, बड़ों में विटामिन डी की पूरी कैसे करें, कौन कौन से आहार हैं जिनको खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो मैं एक नई वीडियो लेके आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और घरेलू उपचार अपनाइए।